तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए मुद्दे की बात करते हैं। तो जनता यह जानना चाहती है कि जो आकाशीय बिजली होती है वो कैसे उत्पन्न होती है, क्या उस बिजली से मनुष्य को खतरा होता है, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या जब बिजली तड़कती है उस समय आप पेशाब कर सकते हैं, पैखाना कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, क्या मोबाइल यूज कर सकते हैं, और क्या काले कलर की छतरी को लेकर चलने से ज्यादा खतरा हो सकता है। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी बॉडी आपको कैसे संकेत करती है, भाई भागो यहां से आपके ऊपर बिजली गिरने वाली है। आपके बॉडी में ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सी किस तरह का प्रतिक्रिया होता है जिससे आप अपने आप को बिजली के चपेट से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजली ये जनरेट कैसे होती है। तो देखिए, जो बादल होती है, बादल की जो सबसे निचले वाली लेयर होती है वहां पे निगेटिव चार्ज होते हैं, जबकि सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जब दोनों आपस से टकराते हैं तो ब्लूमिंग होता है और वही लाइटनिंग होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। आप बताइए, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो उसको जाने के लिए, एक से दूसरी जगह जाने के लिए कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। आप अपने पोल से अपने घर में बिजली लाते हैं, आपको कंडक्टर की जरूरत पड़ती है, तार की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो बिजली नीचे गिरती है ताकि उसको कंडक्टर मिले, धरती पे गिरती है। और ये जो बिजली गिरती है वो इतना खतरनाक होती है, सोचिए कि जो सूरज की जो तापमान है उससे चार गुना खतरनाक होती है, 10 अरब वाट की ये बिजली होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप जब घर से बाहर हैं तो इस बिजली से सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इससे बचने के लिए सबसे पहला काम, आप किसी घर में जाइए, सबसे पहला बात कि आप कभी भी खुले जगह पर ना रहें, और अगर बाय द वे आप खुले जगह पर रहते हैं तो भुला कर भी किसी पेड़ के नीचे छिपने की कोशिश ना करिए। सबसे खतरा अगर बिजली का होता है तो पेड़ का होता है, उससे अच्छा है कि आप किसी कार में चले जाइए। सबसे ज्यादा सेफ्टी है तो कार में है, आप किसी कार में जाइए जहां पे पूरी तरह से शीशा बंद हो, आप वहां सबसे ज्यादा सेफ्टी, उससे भी अच्छा सेफ्टी हो सकती है आप अपने घर में जहां चारों तरफ से दीवारें हों, ऊपर छत हो और खिड़कियां बंद हो, और अगर घर में भी हो तो खिड़की या दरवाजे से थोड़ा सा अलग दूरी पे रहें। अगर रहते भी हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग रहें तो ज्यादा सही है। अब आपका सवाल ये होगा कि हमने ये भी सुना है कि घरों पर भी बिजलियां गिरती है, तो देखिए ये तो बाई चांस होता है, लेकिन आप चाहते घर पे ना गिरे तो उसके लिए एक एंटीना आता है, आप एंटीना लगवा लीजिए। अगर आप एंटीना लगवा लेते हैं तो फिर 0% चांस होता है आपके घर पर बिजली गिरने का। ये जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो किसी दरख्त को होता है, इसलिए मैंने मना किया कि आप खुले जगह पे कभी ना रहे। अगर रहते में है तो पेड़ के छांव में मत जाइए, अपने आप को भीगने से बचाइए, आप उस समय भीगिए मत। लोग पूछ रहे थे कि क्या हम उस समय नहा सकते हैं, देखिए नहाना तो दूर, आप हाथ भी मत धोइए, ऐसा साइंस कहता है, आप हाथ भी मत धोइए, आप अपना पैर भी मत धोइए, आप अपने आप को ड्राई करके रखिए, आप वातावरण गीला है, आप अपने आप को ड्राई करके रखिए तो आप इससे सेफ्टी में रहेंगे। अब मैं बताता हूँ कि क्या आप इस समय मोबाइल चला सकते हैं, तो देखिए मोबाइल फोन चला सकते हैं लेकिन खुले वातावरण में नहीं। आप अपने घर के चार दीवारी के अंदर मोबाइल को चला सकते हैं या इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉल करना है तो मोबाइल फोन का यूज करें, टेलीफोन का नहीं, क्योंकि वो उसमें तार होता है, वहां पे आपको खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं टीवी देख सकते हैं, देखिए आप टीवी को देख सकते हैं लेकिन टीवी में जो इलेक्ट्रिक सामान होता है उससे आपको खतरा हो सकता है, उससे आपका टीवी जो है खराब हो सकता है और आपको भी खतरा हो सकता है, इसलिए आप टीवी ना देखें तो सही है। तो चलिए अब बात करता हूँ छाते की। लोग कहते हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि आप जब काले छतरी को लेकर चलते हैं तो आप पे बिजली के गिरने का खतरा ज्यादा रहता है। तो देखिए यह बात सही है लेकिन 100% सही नहीं है, और ये कैसे सही है ये मैं बताता हूँ। जो बिजली गिरती है वो टॉपेस्ट चीज खोजती है, टॉलेस्ट चीज को खोजती है। आप मान लीजिए कहीं एरिया में है जहाँ कुछ दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां के लिए टॉलेस्ट आप हैं तो वो धरती पर नहीं बल्कि आप पे गिरेगा। ये मतलब छाते से नहीं है, अगर आप छाता भी नहीं भी लेते तो भी गिरता, और अगर आप छाता लिए हैं लेकिन उसके बगल में कुछ किलोमीटर के अंतराल पे कोई बड़ा सा टावर हो, बड़ा सा दरख्त हो, बड़ा सा घर हो, तो फिर हो सकता है कि वो बिजली आप पे ना गिर के उस पे गिरे। अब लास्ट में ये बात करते हैं कि हमारी बॉडी हमको बिजली से बचने के लिए क्या संकेत करती है। तो देखिए जब आपके जो बाल हैं पूरी तरह से स्टैंड खड़ा हो जाए तो सोचिए कि आप पे बिजली का झटका आने वाला है, तुरंत भागिए और किसी न किसी घर में एंट्री लीजिए या फिर किसी न किसी कार में एंट्री लीजिए जो पूरी तरह से बंद हो। आप ध्यान से सुनिए, आपकी बॉडी आपको सचेत करती है कि भाई भागो बिजली गिरने वाली है, तो उसके लिए आपके जब बाल पूरी तरह से खड़ा हो जाए, ऐसे बाल देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं।
जब इस तरह से बाल पूरी तरह से खड़े हो जाए तो आप कोशिश करिए कि तुरंत एक कार में घुस जाइए या फिर आप अपने किसी के घर में एंट्री ले लीजिए। खुले बाल का उठना ये संकेत करता है कि आपके आसपास में पॉजिटिव चार्ज मंडरा रहा है जो आपके ऊपर खतरा कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कौन करेगा? आप करेंगे तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।